हेलो फ्रेंड्स, आओ जी आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चंस किसके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बुक से शुरू करते हैं क्वेश्चन और एक एक करके कवर अप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स पर, क्या कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 43rd क्वेश्चन अनसॉल्व्ड, शुरू करें। कहते हैं कौन कौन पार्टनर है, अमित और विजय आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, ठीक है अभी कुछ नहीं गिवन ऐसा। उन्होंने बिजनेस शुरू किया है 1st of April 2020 को, उनका कैपिटल 2,00,000 and 1,50,000 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज, पार्टनरशिप डीड हमें यह बता रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है बेटा, 10% पर एनम देना है। नेक्स्ट सैलरी टू गेट अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ एंड विजय को कितनी मिलेगी, 3,000 पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:2 है। आगे प्रॉफिट फर्म का गिवन है 2,16,000 प्रॉफिट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू बी 2,200 एंड अमित विजय से 2,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,200 और विजय का 2,500। मैं आपको क्वेश्चन में छोटी सी बात और ऐड करवा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो, पर मैं कह रहा हूं कि चलो साथ में काम और करें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लें। क्या बना लें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लें, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन कहे या ना कहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साथ साथ कवर अप करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे बताऊं, अच्छा ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख जाए, ठीक है। ठीक है जी हाँ, पर पेपर में जो कहेगा वही करना है, पेपर में मत करने बैठ जाना कि सर ने तो क्लास में करवाया था तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। आओ जी शुरू करते हैं, क्या कहता है ये, एक छोटी सी बात ऐड कर लो। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है, बिना ड्रॉइंग्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे हो सकता है। तो आप एज्यूम कर लो, लिखो ड्रॉइंग्स ऑफ अमित 44,000, लिखो क्वेश्चन में ऐड कर लो ड्रॉइंग्स ऑफ अमित 44,000 एंड ड्रॉइंग्स ऑफ विजय 50,000। विजय की ड्रॉइंग्स कितनी है, 50,000। नाउ वी आर स्टार्ट टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले ठीक है हमें प्रॉफिट कितना गिवन है बताना, 2,16,000। तो क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल 2,16,000 रुपए का प्रॉफिट है। किसी को डाउट इसमें, बिल्कुल सर। आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, अमित को और विजय को। कितना कैपिटल है उनका, 2,00,000 और उसका कितना है, 1,50,000। तो कितना हो गया, 20,000 और इसका कितना हो गया बेटा, 15,000। तो टोटल कितना हो गया, 35,000। फिर क्या देनी है, सैलरी। ये बताऊं कैसे आ गया ये 20,000, कैसे आ गया, 2,00,000 कैपिटल है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000, विजय का कैपिटल 1,50,000 है और उसका 10% कितना हो गया, 15,000। तो टोटल कितना हो गया, 35,000 हो गया, पक्का। ठीक है जी, सैलरी कितनी देनी है, सर सैलरी देनी है अमित को 2,000, तो अमित कैपिटल 2,000 कितना हो गया, 24,000 और विजय को देनी है कितनी, 3,000 पर मंथ, तो कितना हो गया, 36,000। टोटल कितना हो गया, 60,000 हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को, 2,000 पर मंथ तो 24,000 हो गया, विजय को 3,000 पर मंथ तो 12,36,000 हो गया। आगे चलते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट बांटना है 3:2 में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम होती है और इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किससे लेनी है, अमित से और दूसरा किससे, विजय से। कितना बेटा बताना, कितना हो गया, 2,200 और 20, तो कितना हो गया, 4,700 आ गया। किसी को डाउट यहां तक, चलिए आगे। ठीक है, अब क्या करना है सर, बस अब क्लोज कर दो, क्लोज करो, बताओ कौन सी साइड बड़ी है, बताओ
सर मुझे तो लग रहा है यही साइड बड़ी है, कितना हो गया? ये हो गया 2,16,004, 2,20,700, 2,20,700। यहां से क्या निकल आएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस में ट्रांसफर कर देंगे? अमित में और विजय में। करो 2,20,700 में से माइनस कर दो 95,000, कितना आ गया? 1,25,700 रुपए आ गए। 1,25,700 किस में बांटने हैं? अमित और विजय में। क्या रेशियो है? 1,25,700 डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2 में। इसे डिवाइड किससे कर दोगे? 5 से। 3+2, 5। तो 25,140 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 75,420। वापस डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 50,280। ये आ गया जी। इसमें किसी को भी डाउट है यहां तक? किसी बच्चे को डाउट है यहां तक बेटा? एक बार देख लो, कोई डाउट है तो आप पॉज करें और मुझसे पूछ लें। चले आगे। कह रहे बच्चे, कह रहे सर चलो आगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स आप लिख लेना। पर्टिकुलर्स यह कौन है? अमित और यह कौन है? विजय। अमित विजय। कैपिटल क्या है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी। कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। तो क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम हो जाएगा। क्रेडिट में बढ़ेगा और डेबिट में कम हो जाएगा। यहां तक डाउट किसी को? चले आगे। तो बाय बैलेंस बीटी किस पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां होगा? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। क्यों होगा क्रेडिट में? क्योंकि कैपिटल है लायबिलिटी और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। शाबाश। तो बाय बैलेंस बीडी कितना कैपिटल था इसका? 2,00,000 और इसका कितना था? 1,50,000। देख लो क्वेश्चन में कितना था, 2,00,000 और 1,50,000। डाउट किसी को? आगे पार्टनर को क्या दे रहे हैं बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। और बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो दो भाई बाय क्या दोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 20,000 और कितना? 15,000। फिर क्या दोगे? सैलरी। कितनी सैलरी देने वाले हो? 24,000 और 36,000। फिर क्या देने वाले हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट दोगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांट लोगे ना, तो कितना प्रॉफिट है बताओ? 75,420 और 50,280। ये आ गया। डेबिट में क्या आएगा? सर जो पैसे उसने ड्रॉइंग करी है, ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल क्या हो जाएगा? कम। कितनी कितनी ड्रॉइंग है? 44,000 है इसकी ड्रॉइंग्स और 50,000 है इसकी ड्रॉइंग्स। मैंने आपको लिखवाया है ना क्वेश्चन में भी, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवाया था कि ड्रॉइंग्स इतने इतने की हैं। ठीक है, आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की वजह से भी कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो करो कम। कितना? 2,200 और 2,500। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है? कौन सी साइड बड़ी है बेटा बोलो? क्रेडिट साइड। तो प्लस कर लो, तो उसको प्लस करके इधर क्या बच जाएगा? टू बैलेंस सीडी। यही सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। बात ही खत्म हो गई। कोई डाउट किसी को यहां तक? करो जी। कितना हो गया? कितना? 319,420। इसमें से माइनस कर दो, बताओ क्या बच रहा है? 273,220। मतलब 2,73,220 आ गया। ऐसे ही विजय का भी निकाल लो। विजय का टोटल कितना हो गया? 2,51,280। माइनस करके बताओ क्या आ रहा है? 198,780 आ गया जी। खत्म। ये हमने क्या बना लिया? साथ में पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट. क्या बना लिया साथ में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं.